हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आज की क्लास में ये फोर न्यूमेरिकल 1, 2, 3 एंड 4 फोर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। नंबर वन करते हैं, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ आर इज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एक हमने क्या किया, सेम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, कितने रेजिस्टर्स हैं एन रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, कितने हैं एन रेजिस्टर्स हैं, उन सभी को हमने ज्वाइन किया, कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। ये यहाँ पर बैटरी है, इसका ईएमएफ ई है, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दिस कैपिटल आर। इस तरह से हमने इन सभी को ज्वाइन किया, ठीक है। इन सभी रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन किया हमने, क्या था, एन इक्वल रेजिस्टर थे, कितने रेजिस्टर्स हैं, एन रेजिस्टर्स हैं, किसके साथ ज्वाइन किया, बैटरी के साथ सीरीज में, बैटरी का ईएमएफ कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। क्वेश्चन में कहता है करंट आई ऑब्जेक्ट टू फ्लो, तो सर्किट में करंट आई फ्लो करती है, ठीक है। अब ये जो करंट आई है ये कितनी है, ये चेक करते हैं पहले। दिस करंट आई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं करंट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो दिस इज टोटल ईएमएफ इज ई, टोटल ईएमएफ ये हमारा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दिस एन आर प्लस आर, ठीक है, एन आर प्लस आर, क्योंकि ये क्या थे हमारे, आइडेंटिकल थे, तो ये सभी सीरीज में कितना हो जाता है, एन आर प्लस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल के साथ ये इंटरनल ऑलवेज सीरीज में होता है, नंबर वन, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि इन सभी रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में ज्वाइन किया, सभी को हमने इसी बैटरी के साथ पैरेलल में ज्वाइन किया, सपोज दिस पहला रेजिस्टर, दिस सेकंड रेजिस्टर एंड दिस थर्ड रेजिस्टर, सभी को हमने, कितने हैं, एन रजिस्टर्स हैं, ये सभी कितने हैं, एन रजिस्टर्स, इन सभी को उसी बैटरी के साथ ज्वाइन किया, इसका ईएमएफ हमारा ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, राइट। तो इसी बैटरी के साथ हमने ज्वाइन किया ये। अब देखना हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर करंट देखनी है इसमें। तो क्वेश्चन में पहला आईडेस हम लिखते हैं, आईडेस इजिकल जो टोटल ईएमएफ, तो हमारा ई है, टोटल ईएमएफ हमारा ई है, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये यहाँ पर एन रेजिस्टर्स हैं और पैरेलल में ज्वाइन है, एन रेजिस्टर्स पैरेलल में ज्वाइन है, ठीक है। तो कितना आ जाता है, आर अपॉन एन हो जाता है, दिस इज आर अपॉन एन, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल तो हमारा सीरीज में होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिस आई डैश इज इक्वल टू हाउ मच, आई डैश इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये एलसीएम ले रहे आप, एलसीएम एन ऊपर जाता है ये, तो दिस इज आर प्लस एन आर हो जाता है, नंबर टू, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है, ये क्वेश्चन में कहता है, दिस देन द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी एंड इट इज ऑब्जर्व दैट करंट इज 10 टाइम्स, मतलब ये जो करंट है दिस आई डैश इज 10 टाइम्स, ठीक है। गिवन है हमें आई डैश इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ किसके, आई के, ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद क्या करें, दोनों की वैल्यू रख देते हैं, आई तो हमारा ये था, दिस आई, तो दिस इज ई अपॉन एन आर प्लस आर, ठीक है, और इज इक्वल टू 10 इंटू, ध्यान से रखें, देखिए हमें यहाँ पर आई डैश रखना है, तो दिस इज आई डैश हियर, एनी अपॉन दिस एनी अपॉन कितना, दिस इज आर प्लस एन आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आई डैश की वैल्यू हमने रखी, आई डैश की वैल्यू यहाँ पर, अब इसके बाद दिस 10 इंटू आई, आई की वैल्यू ये हमारी, तो दिस ई अपॉन आई की वैल्यू ये है यहाँ पर, ठीक है, तो दिस ई अपॉन एन आर प्लस आर, ठीक है। अब क्या करें, एक तो ये कैंसिल हो जाता है, देखिए सेम, दूसरा ये भी कैंसिल हो जाता है, तो हियर ऑन सॉल्विंग एन इज इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कितने इक्वल रजिस्टर थे एन, और एन इज इक्वल टू हमारा 10 आता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन नंबर टू के अंदर कहता है, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर दो सेल्स ज्वाइन है हमारे, दो सेल्स हमारे ज्वाइन है, दोनों का ईएमएफ तो इक्वल है, दोनों का ईएमएफ इक्वल है, बट उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग आर वन एंड आर टू है। इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, पहला तो आर वन, दूसरा हमारा आर टू है, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ ज्वाइन किया है, कैपिटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल आर है ये, तो इसके साथ ज्वाइन किया है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल बिकम्स जीरो। कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करें जिससे कि पहले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले टोटल करंट कैलकुलेट करें, करंट इन द सर्किट, ठीक है। इस सर्किट में कितनी करंट पास होती है, ठीक है, कितनी करंट, तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना है 2E है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दिस आर प्लस आर वन प्लस आर टू। ये तो हमारा क्या है एक्सटर्नल, ये इंटरनल, इंटरनल ऑलवेज किसमें सीरीज में होते हैं, आर वन इसका इंटरनल आर टू इसका था, ठीक है ना। टोटल ये रेजिस्टेंस टोटल करंट आई ना, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर वन। क्वेश्चन में कहता है कि जीरो करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर हमने जीरो किया, दिस इज E माइनस I की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2E अपॉन कैपिटल R स्मॉल R1 स्मॉल R2 इनटू दिस R1, हमने I की वैल्यू रखी केवल इनटू दिस R1 हियर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू 2E अपॉन दिस R प्लस R1 R2 इनटू दिस R1, ठीक है। अब ये कैंसिल कर सकते हैं, देखिए आप, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वन आर टू इज इक्वल टू दिस इज टू आर वन, ठीक है, टू आर वन। हमें क्या चाहिए, कैपिटल आर चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, क्या कर सकते हैं इसको उधर ले जाए, तो दिस इज आर वन माइनस आर टू, दिस इज आंसर कैपिटल आर। तो हमने क्या किया, केवल टोटल करंट कैलकुलेट की, टोटल करंट टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR, फर्स्ट सेल के लिए क्या था इसलिए हमने यहाँ पर R1 यूज किया, यदि सेकंड सेल के लिए क्या था तो R2 यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो दिस इज E माइनस दिस। अब इसको सॉल्व करने पर कैपिटल R इक्वल टू दिस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर दो सेल्स गिवन है, दोनों का ईएमएफ हमें गिवन है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है। ईएमएफ पहले का कितना 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 0.3, E2 इज इक्वल टू 9 वोल्ट, R2 इज इक्वल टू 1.2। नाउ फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर, इसमें हमें करंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहां पर देखिए ये हमारा E2 9 वोल्ट है, दिस इज ग्रेटर, तो करंट सर्किट में इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ इधर जाती है करंट, ठीक है। अब इसमें क्या करें, देखो करंट हमें कैलकुलेट करनी है करंट, तो पहले टोटल ईएमएफ देखें, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू क्या 9 माइनस 5, ठीक है, ये 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ना टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस दिस 4.5 प्लस, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे किसमें है, ये हमारे दोनों पैरेलल है, देयरफॉर 3 × 6/3 + 6 प्लस ये दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये सीरीज में आ जाता है 0.3 + 1.2, ठीक है ना। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4.5 प्लस ये कितना आता है, दिस इज 3 × 6 = 18 और दिस 9, तो दिस इज 2, ठीक है, प्लस दिस इज 1.5
ठीक है, तो 1.5 और दिस, दिस इज 6 और दिस 2 8, तो दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। नाउ करंट चाहिए हमें, करंट कितना होता है टोटल ईएमएफ अपॉन दिस टोटल रेजिस्टेंस, तो 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पर हमारी कितनी करंट है, 1/2 है, 1/2 एम्पियर, ठीक है। अब ये जो करंट है ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, करंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में इनवर्स होती है, क्यों, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर करंट कम, तो करंट इन किसमें चाहिए, करंट इन आर इजिकल टू 3 ओम, आई इजिकल टू आईडेस कह दें, आईडेस इजिकल टू यहां पर करंट, ठीक है। इसके करंट के लिए ये रेजिस्टेंस लेंगे, तो दिस इज 6/9, इन दोनों का सम 6 और 3 का सम, ठीक है, इनटू जो करंट हमें डिवाइड करनी थी यहाँ पर, दिस इज 1/2, ठीक है। तो दिस 2 3 जा एंड दिस इज 3 3 जा एंड दिस इज 1/3 एम्पियर, तो यहाँ पर ये हमारी करंट कितनी है, 1/3 एम्पियर है। क्या किया हमने, पहले टोटल ईएमएफ कैलकुलेट किया, दोनों ही अपोजिट हैं, ठीक है, प्लस प्लस ज्वाइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, यदि दोनों का माइनस माइनस भी ज्वाइन होता तो भी हम माइनस ही करते, बट ऐसे ज्वाइन होने पर दोनों का प्लस करते हैं, ठीक है। ये सेम पोलरिटी, मतलब ये सेम डायरेक्शन में करंट भेजते हैं दोनों ही, ये अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं, बट जो रिजल्टेंट करंट है वो किधर फॉलो करती है, जो ज्यादा स्ट्रांग है जिसका ईएमएफ उसको फॉलो करती है। तो इस तरह से हम करंट इन 3 ओम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू 4 ओम रेजिस्टेंस एज इन फिगर। ये हमारे यहाँ पर बैटरी है, ईएमएफ इसका 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 है, इसको हमने कनेक्टेड टू 4 ओम रेजिस्टेंस इसके साथ ज्वाइन है, नाउ सो दैट व्हेन द वोल्टमीटर प्लेस अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टर 4 ओम रेजिस्टर गिव द सेम रीडिंग्स, मतलब इस वोल्टमीटर को यहाँ पर लगाएं या इसके अक्रॉस लगाएं तो सेम रीडिंग आती है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें करंट देखते हैं हम, करंट इन द सर्किट कितना है, करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना, ये तो इंटरनल है इसका, ये एक्सटर्नल, इंटरनल ऑलवेज एक्सटर्नल के सीरीज में होता है, तो दिस इज 6, तो हियर इट इज 2 एम्पियर करंट, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल या बैटरी के हैं, ठीक है, कितना, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस IR होता है, किसी भी सेल या बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस IR होता है, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, हमें V तो चाहिए, E की वैल्यू कितनी हमारी, E इक्वल टू 12 माइनस I कितना हमारा 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना 2, तो दिस इज इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस 4 ओम के अक्रॉस क्या करेंगे, दिस इज वी डैश इज इक्वल टू आई इनटू आर, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आई आर, तो दिस करंट कितनी है यहाँ पर, करंट तो हमारी 2 एम्पियर थी, इसमें 2 एम्पियर की करंट जाती है, तो दिस इज 2 इनटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो दिस इज 8 वोल्ट, ठीक है। हेयर फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर दैट क्या है, वी डैश इज इक्वल टू वी, तो हैंस प्रूव हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये 4 न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छी तरह से करें। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।